असलकुम टेंथ क्लास चैप्टर थर्टीन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अबाउट सर्कल्स एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री के मैं पहले पांच क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी आज हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर क्वेश्चन नंबर इलेवन तक इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स टू इलेवन आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ड्रा टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडिया टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देअ सेंटर्स इज सिक्स सेंटीमीटर दैन ड्रा टू ट्रांसफर स्टेंजेंट्स ट्रांसफर स्टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले सिक्स सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ओ ओ प्राइम ओको सेंटर मानकर टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे और फिर ओ प्राइम पर भी सेम रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे अब ओ ओ प्राइम की हाफ़ से ज़्यादा खोलकर ऊपर नीचे बाइसेशन करेंगे ओ और ओ प्राइम से और हमें मिड पॉइंट मिलेगा एम एम और ओ o, प्राइम o की दोबारा बाइसेशन करेंगे हाफ़ से ज़्यादा खोलकर M एम से और ओ प्राइम से और हमें एम ओ प्राइम का सेंटर मिलेगा एन एन को सेंटर मानकर एम एन इज़ इक्वल टू ओ प्राइम एन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों सर्कल्स जहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स को नाम देंगे पी क्यू पी को एम से मिलाते हुए दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करेंगे 2.4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल्स को इसी तरह क्यू को एम एम से मिलाते हुए भी हम दूसरा ट्रांसवर्स एजेंट ड्रा कर देंगे यही हमारे रिक्वायर्ड एजेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इज देयर ड्रा टू सर्कल्स विद रेडी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर इफ़ दे सेंटर्स आर सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अपार्ट देन ड्रा टू डायरेक्ट कॉमन एजेंट्स डायरेक्ट कॉमन एजेंट्स अब हम दो अन सर्कल्स के ड्रा करेंगे सबसे पहले सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ओ ओ प्राइम ओ को सेंटर मानकर थ्री सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे ओ प्राइम को सेंटर मानकर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रा करेंगे हाफ से ज़्यादा खोल कर ओ ओ प्राइम की बाई सेक्शन करेंगे और हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा एम एम को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओ ओ प्राइम को टच करेगा रेडियस इसका है ओ एम इज इक्वल टू ओ प्राइम एम थ्री सेंटीमीटर माइनस टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे डॉटेड सर्कल ओ को सेंटर मानकर देखिए दोनों डॉटेड सर्कल दो पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसे हमने नाम दिया पी और क्यू ओ को पी से मिलाएंगे और एक्सटेंड कर देंगे सर्कल तक ओ ए के पैरेलल ड्रा करेंगे ओ प्राइम ए प्राइम इसी तरह ओ क्यू को जॉइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे बी पॉइंट तक और ओ बी के पैरेलल ड्रा करेंगे ओ प्राइम बी प्राइम ए ए प्राइम को जॉइन करेंगे तो हमें फर्स्ट एंजेंट मिल जाएगा डायरेक्ट इसी तरह बी वी प्राइम को ज्वाइन करेंगे तो दूसरा डायरेक्ट कॉमन एंजेंट मिल जाएगा विच आर द रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट्स क्वेश्चन नंबर एट ड्रा टू सर्कल्स विद रेडी आई थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड टू सेंटीमीटर इफ़ देर सेंटर्स आर सिक्स सेंटीमीटर अ पार्ट दैन ड्रा टू ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स टेंजेंट्स ड्रा करेंगे अब हम दो अन सर्कल्स के लिए तो सबसे पहले सिक्स सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ओ प्राइम ओ को सेंटर मानकर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे इसी तरह ओ प्राइम को सेंटर मानकर 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रा करेंगे हाफ़ से ज़्यादा खोलकर बाइसेक्शन करेंगे ओ ओ प्राइम की तो हमें एक मिड पॉइंट मिल जाएगा एम एम को सेंटर मानकर ओ एम इज़ इक्वल टू ओ प्राइम एम रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे डॉटेड सर्कल 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर रेडाई को ऐड करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर मिलेगा ओ को सेंटर मानकर एक और डॉटेड सर्कल ड्रा करेंगे 5.5 सेंटीमीटर याद रखें ट्रांसफर्स टेंजेंट्स में प्लस करते हैं और डायरेक्ट कॉमन एजेंट में माइनस दोनों डॉटेड सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ को पी से ज्वाइन करेंगे ओ को क्यू से ज्वाइन करेंगे ओ पी के दरमियान जो फर्स्ट सर्कल को पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो है ए और इसी तरह ओ क्यू के दरम्यान है बी ओ ए के पैरल ड्रा करेंगे ओ प्राइम ए प्राइम इसी तरह ओ बी के पैरल ड्रा करेंगे ओ प्राइम बी प्राइम ट्रांसफर टेंजेंट्स हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अब हमें फोर पॉइंट्स मिल गए हैं ए ए प्राइम बी बी प्राइम बी को बी प्राइम से जॉइन किया और ए ए प्राइम को जॉइन करके हमें दो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स मिल गए हैं क्वेश्चन इज डन क्वेश्चन नंबर नाइन ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कॉमन एजेंट्स ड्रा करने हैं टू टचिंग सर्कल्स के तो दो केसेस होंगे केस वन टचिंग एक्सटर्नली केस टू टचिंग इंटरनली तो सबसे पहले हम केस वन पे काम करेंगे टचिंग एक्सटर्नली 3.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर रेडाई को ऐड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर बनता है 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ओ ओ प्राइम ओ को सेंटर मानकर थ्री सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे ओ प्राइम को सेंटर मानकर 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों एक दूसरे को टच करेंगे पॉइंट ए पर ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है व्हेन दे आर टचिंग एक्सटर्नली अब हम केस टू पे काम करेंगे केस टू है टचिंग इंटरनली पहले हम 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके बाद दूसरा सर्कल है 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का तो ओ प्राइम को सेंटर मानकर इस तरह से सर्कल ड्रा करेंगे कि दोनों सर्कल्स पॉइंट ए पर एक दूसरे को टच करेंगे ओ को ए से जॉइन करके ए परपेंडिकुलर पर ड्रा कर देंगे तो ये टचिंग इंटरनली का टेंजन हमें मिल गया है क्वेश्चन नंबर टेन ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई थ्री सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर कॉमन टेंजेंट ड्रा करने हैं हमें दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के दोनों रेडाई का सम सेवन सेंटीमीटर है तो हम सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे ओ ओ प्राइम ओ को सेंटर मानकर फोर सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ओ प्राइम को सेंटर मानकर थ्री सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे चूँकि लाइन छोटी ली है तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे हाफ से ज़्यादा खोल कर दोनों की बाइसेक्शन करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा एम एम को सेंटर मानकर ओ एम इज़ इक्वल टू ओ प्राइम एम रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ इक्वल सर्कल्स की तरह ड्रॉ करना है फोर सेंटीमीटर माइनस थ्री सेंटीमीटर बराबर है वन सेंटीमीटर के तो ओ को सेंटर मानकर वन सेंटीमीटर का एक और डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों डॉटेड सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ को पी से ज्वाइन करके ए तक एक्सटेंड किया और ओ ए के पैरेलल ड्रॉ करेंगे ओ प्राइम ए प्राइम इसी तरह ओ क्यू को ज्वाइन किया और बी तक एक्सटेंड किया उसके पैरल ड्रा करेंगे ओ प्राइम बी प्राइम ए ए प्राइम और बी बी प्राइम को जॉइन करके हमारे पास कॉमन डेंजेंट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर एलेवन ड्रा सर्कल्स विच टचेज बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल्स फर्स्ट फोर्टी फाइव एंड देन सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री पर क्वेश्चन को समझना ज़्यादा आसान है तो मैं पहले सेकेंड पार्ट करूँगी ओ बी आप एक रेड ड्रॉ करेंगे और ओ को सेंटर मानकर सिक्सटी डिग्री का एक सर्कल ड्रा करेंगे हमें आर्म्स को टच करते हुए एंगल्स के लिए इसकी बाई सेक्शन चाहिए सिक्सटी की बाई सेक्शन करेंगे दैट विल बी थर्टी ओ एम बाई सेक्टर पर एक पॉइंट लेंगे पी और उससे ओ बी रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमें ओ बी पर एक पॉइंट मिल जाएगा क्यू पी क्यू इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस पी क्यू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि दोनों आर्म्स को टच कर रहा है यही हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है पार्ट वन करेंगे फोर्टी फाइव डिग्री इसके लिए हमें पहले सबसे नाइन्टी डिग्री का एंगल चाहिए क्योंकि फोर्टी फाइव इज़ द हाफ ऑफ नाइन्टी तो नाइन्टी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड एंगल नाइन्टी नहीं है फोटी फाइव डिग्री है जैसे हमने सिक्सटी का हाफ किया था थर्टी तो एक्चुअल एंगल फोर्टी फाइव है तो फोर्टी फाइव का अब हम हाफ़ करेंगे जो कि ट्वेंटी टू एंड हाफ़ होगा जिस तरह सिक्सटी के बाई पर हमने पॉइंट पी लिया था इसी तरह फोर्टी फाइव के बाई सेक्टर ओ एम पर हम पॉइंट लेंगे पी और पी से उसी तरह हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ बी पर आप ओ ए पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है अब हम पी क्यू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि दोनों एंगल आर्म्स को टच कर रहा है यही हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है